हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम सेतु के मूवी ट्रेलर के बारे में। तो ये ट्रेलर आज 12 बजे अपलोड हुआ है इस चैनल के द्वारा। इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि कैसे कुछ कैपिटलिस्ट लोग और कुछ सत्ताधारी लोग मिलकर राम सेतु पर अटैक कर रहे हैं और उसे तुड़वाना चाहते हैं। और ये प्रूफ करने के लिए कि राम सेतु रियल है और ना ही आर्टिफिशियल, एक मिशन दिया जाता है एक आर्कियोलॉजिस्ट को जिसे प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार। और अभी उनके हाथ में 3 दिन है ताकि वो प्रूफ कर सके कि राम सेतु एक मैनमेड ब्रिज है। ट्रेलर में कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है और ये देखकर अच्छा लगा, क्योंकि बाकी बॉलीवुड ट्रेलर्स में क्या होता है कि आपको स्टोरी का अंदाज़ा पहले ही लग जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही वेल मेड ट्रेलर है। इसके विजुअल्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एक्सेप्ट वो सिप वाला सीन। और इसका म्यूज़िक बहुत इम्प्रेसिव है। देखिए, एक फिल्म कैसी है ये पूरा डिपेंड करता है उसके स्टोरी टेलिंग पे कि वो कैसा इमोशन देना चाहती है अपने ऑडियंस को। और अगर ये फिल्म ये करने में कामयाब होती है तो ये फिल्म ज़रूर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी, जैसे इस साल हमने देखा कार्तिकेया 2 मूवी के साथ कि नॉर्दर्न बेल्ट में इसका प्रमोशन हुआ ही नहीं था, लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के कारण कुछ 25 से 30 करोड़ इस मूवी ने कमाए थे इन हिंदी वर्जन। और इस मूवी में अक्षय कुमार का लुक भी अच्छा लग रहा है और कुछ पावरफुल डायलॉग्स भी सुनने को मिल रहे हैं जो कि गूज़बम्प्स देते हैं। और विजुअल्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो श्रीलंका का जो सीन दिखाया गया है। ये मूवी कैसी होगी ये प्योर डिपेंड करता है कि क्या ये जो ये मैसेज देना चाहती है ऑडियंस को, क्या वो जा पाता है या नहीं। और ओवरऑल देखा जाए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। और अक्षय कुमार की पिछली 3 से 4 फिल्में, आई थिंक 5 फिल्में थी जो चली नहीं अच्छे से बॉक्स ऑफिस पर और फ्लॉप हो गई, तो इस फिल्म से तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। बट आई होप कि ये फिल्म अच्छी हो और वो इस मूवी से कमबैक कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वेल, आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।